बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अफोर्डेबल और अच्छा फेशियल शेयर करने जा रहा हूँ। काफी देर से मैंने अपने चैनल पे कोई फेशियल का रिव्यू नहीं किया। आई वॉन्टेड टू रिव्यू आ फेशियल और काफी देर से मुझे पीआर में कुछ रिसीव हुआ हुआ था, लेकिन वो गायब हो गया और फिर सडनली मिल भी गया। मतलब कहीं पे आगे पीछे हो गया था। मैं समझ रहा था कि कोई उठा के ले गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घर में ही था लेकिन सामान में आगे पीछे हो गया था। माशाल्लाह काफी ज्यादा पीआर आते रहते हैं, तो पता नहीं चलता कौन सा पीआर कहाँ पे रखा रहता है। टाइम नहीं होता, बैंक चला जाता हूँ, मतलब जॉब पे चला जाता हूँ, जॉब से आके फिर साथ में थोड़ी सी स्टडी भी है, आजकल स्टडी पे भी फोकस कर रहा हूँ, तो सारा कुछ मतलब मैसअप हुआ पड़ा है। तो वो फाइनली मिल चुका है, तो मैं आप लोगों के साथ एक अफोर्डेबल फेशियल किट शेयर करने जा रहा हूँ। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आप लोगों को फेशियल दिखा देता हूँ कौन सा। सेट है ये, तो इसके पीछे इन्होंने सारी इन्होंने डिटेल वगैरह दी हुई है, आप देख सकते हो। तो इसका रिव्यू करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों ने खरीदना है नहीं खरीदना। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो मेरे पास ये है अलीशा गोल्डवालो का फेशियल। मैंने इसका आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, इसमें हमें 6 पीसेस मिलते हैं जो कि इसमें कंटेन है। डबल एक्शन, देन है हमारे पास एप्रिकोट स्क्रब, देन मसाज क्रीम, देन मड मास्क, देन स्किन पॉलिश, देन पील ऑफ मास्क। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट है। डिड यू नो, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। अलीशा, थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ईच जार कंटेन 300 ml प्रोडक्ट, तो 300 ml प्रोडक्ट हमें मिलता है एक जार में। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका फेशियल अपने फेस पे। ऑलरेडी आई टोल्ड यू के ईच जार कंटेन 300 ml प्रोडक्ट, तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में है ये। अगर इस सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर ले तो आई थिंक ये 1200-1300 रुपए का आपको मिल जाता है, और काफी ज्यादा ये क्वांटिटी में है। यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 5/4/2021 को बनाया गया था, 5/4/2024 को ये एक्सपायर होगा, ठीक है। अलीशा गोल्ड डबल एक्शन, यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा बताया। अलीशा 24K गोल्ड व्हाइटनिंग कॉम्प्लेक्स इज अ कमिटेड टू डेवलपिंग का, ये यहाँ पे इनका फेसबुक वगैरह का भी है, पैराबेन फ्री, और इन्होंने दूसरा कुछ बताया हुआ 31 ईयर्स एक्सीलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करने लगे हैं इसका फर्स्ट स्टेप जो क्या है क्लिंजर। जी, तो इसको करने लगा हूँ ओपन में। ओपन करने के साथ यहाँ पे हमें एक प्लास्टिक की लिड मिलती है आगे, स्टॉपर टाइप, तो ये आप अंदर से देख सकते हो। इट स्मेल्स गुड। मुझसे पहले मैंने दो लोगों को यूज करवाया, उनके रिव्यूज लेके खुद अपने में करवाए, यानी कि एक मैंने एक्ने प्रोन स्किन पे करवाया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक था नॉर्मल स्किन और एक मेरी काइंड ऑफ ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन, ठीक है। तो अंदर से दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस, अंदर से कुछ इस तरह का लगता है, ठीक है। तो इसकी मैं थोड़ी, इसके साथ हमें एक स्पैचुला मिलना चाहिए था, वो थोड़ा सा ये थोड़ा सा अनहाइजीन हो जाता है थोड़ा सा ही काम, तो फिंगर्स अगेन जब इसमें फिंगर्स लगेगी तो काम खराब होगा। आई शुड यूज स्पैचुला इंस्टेड ऑफ माई फिंगर्स, बट ओके, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया अपने फिंगर्स पे। सो ठंडा, मतलब सो कूलिंग इफेक्ट, काइंड ऑफ मिंट इफेक्ट आ रहा है मुझे। इन्होंने क्या इसमें ऐड किया आई डोंट नो, बट अप्लाई करने के साथ स्किन पे बहुत ठंडा फील हो रहा है। डबल एक्शन वैसे भी स्किन पे काफी ज्यादा ठंडा फील होता है, एंड ये भी काफी ज्यादा, मतलब स्मेल्स ऑल्सो वेरी ठंडी, मतलब के उस किस्म की स्मेल है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करवाए, ना कि ऐसा कि आपने पता नहीं स्किन पे क्या लगा लिया है। आई एम लविंग इट, टिल नाउ आई एम लविंग इट। ओके, मसाज कैसे करनी है, बाकी सारे मैं स्टेप ऐसे ही गुजार दूंगा, इस में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। मसाज लड़की हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, लड़के भी जाहिर सी बात है हमारे बियर्ड है, बियर्ड को हम छेड़ेंगे नहीं, तो यूं आपने नीचे से, मैं आपको वैसे डेमो दे रहा हूँ, यूं नीचे से आपने ऊपर की तरफ फेशियल करना है, ठीक है। मसाज हमेशा ऊपर की तरफ करनी है, फिर इन दोनों के साथ चार्ज इन चीजों को, आंखों के नीचे पफिनेस भी खत्म होगी, आपके चीक्स है वो भी लिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे, ठीक है। इस तरह से फिर आप लोगों ने यू फिंगर के साथ नोज का ये जो एरिया होता है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा मतलब डार्क होता है, मेरा भी काफी ज्यादा डार्क हो जाता है मेरी स्किन की निस्बत, तो मैं कुछ भी अप्लाई करता हूँ यू नोज पे, उसको मैं लाजमी मसाज करता हूँ, ठीक है।
तो यूं ऊपर को आपने फेशियल करना है, नीचे को नहीं करना। जब हम मसाज नीचे को करते हैं हमारी स्किन नीचे की तरफ आती है। आप हमेशा कभी स्किन पे मसाज करो, लड़की अप्लाई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना। यूं ऊपर को जब आप लोग मसाज करोगी एक साइड आपकी लिफ्टेड लगेगी, एक साइड आपको नीचे की लगेगी। तो इसलिए कोशिश करो मसाज हमेशा ऊपर की तरफ करो, और ये क्लॉक वाइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। माथे पे मैं इस तरह से कर रहा हूँ इन तीन फिंगर्स के साथ, ठीक है। तो यूं ऊपर को ही करना फेशियल आप लोगों ने, ठीक है। मसाज आप इस तरह से भी कर सकते हो, अप टू यू, रियली कि आपने ऐसे ही करनी है। ठीक है, इसकी मैं मसाज कर लेता हूँ। मसाज करके मैं फिर इसका मूड हो गया आप लोगों को इसका रिजल्ट बताता हूँ, मैंने क्या फील किया और क्या नहीं। जी तो मूड होके मैं वापस आ गया हूँ एंड रिजल्ट्स आर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मेरी स्किन मुझे बहुत ज्यादा ठंडी और फ्रेश फील हो रही है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट स्टेप इज रिकमेंडेड, मुझे लगा के कुछ फील नहीं हुआ, कुछ उलझन नहीं हुई, कुछ भी मेरे फेस पे मुझे मतलब जलन या फिर इचिंग होती है। मैं कुछ भी फेस पे अप्लाई करूं तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बाल मैंने ऐसे को पीछे कर लिए। तो सेकंड स्टेप है हमारा एप्रिकॉट स्क्रब। एप्रिकॉट स्क्रब यूज करने जा रहा हूं। तो एप्रिकॉट स्क्रब को लिड है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यार ये फेशियल, मतलब एक अगर सपोज मैं हूं जैसे कभी कभी यूज करने वाला, तो ये 2024 तक मेरे साथ इजीली चलेगा। ये आप देख सकते हो इसमें काफी बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स है। इसको लेके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि इसमें ग्रैन्यूल्स काफी बड़े हैं, बट लेट्स ट्राई दिस। इसको मैं जब फिंगर्स में रब कर रहा हूँ, आई कैन फील के इट्स काइंड ऑफ हार्ड, बट स्किन पे करके देख लेता हूँ, स्किन पे फील हो रहा है कि इसके जो ग्रेड्यूल्स है क्वाइट मतलब साइज में बिग, बट ओवरऑल नॉट दैट मच हार्श जितने मुझे लग रहा था कि ये स्किन पे मेरे हो सकते हैं। इट इज हार्श बट नॉट दैट मच। आई थिंक सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकेंगे, नॉर्मल ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन वाले तो इजिली कैन यूज, बट सेंसिटिव स्किन वालों को मसला होता है और एक्नी प्रोन वाले इसको देखो तो भाग जाओ, सब कुछ छोड़ के जुदी। इस तरह के पिंपल निकलेंगे मुंह पे के दूर से आपके फेस पे चार चांद लगा देंगे, दूर से आते हुए इंसान को नजर आएगा कि इसके मुंह पे चार चांद लगे हुए, इसलिए ये स्क्रब। Okay, तो मैं मुंह धो के आ चुका हूँ और यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो, आई गॉट दिस रेड पैच हियर यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा था कि सेंसिटिव स्किन वाले अवॉइड दिस, मतलब इसको अवॉइड करो, मुझे लगा था कि यूज कर सकता हूँ तो आप लोग भी यूज कर लोगे, बट आफ्टर वॉशिंग यू गाइस कैन सी मतलब यहाँ पे रेड पैच है जो कि अच्छा नहीं लग रहा मेरे फेस पे। तो आई गॉट वेरी बिग रेड पैच हियर, तो आई वुड से कि प्लीज सेंसिटिव और जिनकी स्किन पे बहुत जल्दी रेडनेस आती है वो यहाँ से इस स्टेप को टोटली आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी स्किन वाले इजीली कैन यूज, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन पे बहुत जल्दी रेड पैच पड़ते हैं। तो आई गॉट रेड पैच हेयर, तो मैं हेयर तो आई वुड से कि डोंट यूज दिस। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसका थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम इसकी मैं यूज करने जा रहा हूँ जली। ओके, मैं यही लगा देता हूँ अपने फेस पे, ठीक है। तो ये मसाज क्रीम मैंने अपने फेस पे लगा ली है, इस तरह से मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ अपने फेस पे। तो इस तरह से इसकी मसाज शुरू कर रहा हूँ मैं। हल्के हाथों से इसकी मैं मसाज कर रहा हूँ, हमेशा हल्के हाथों से फेशियल किया जाता है, कभी भी आपने रगड़ के नहीं उतारना, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसके साथ जेंटल रह के काम करो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। ओके,
ओके तो ये स्टेप कंप्लीट करके मैं मूड होके आप लोगों को मिलता हूँ। आज क्रीम को मैं टोटली पास करता हूँ। अप्लाई करने के बाद स्किन काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा फ्रेश फील हो रही है और काफी ज्यादा ब्राइट भी फील हो रही है। तो कोई इरिटेटिंग नहीं थी, कोई भी इचिंगनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे फेस पे। तो मसाज क्रीम रिकमेंडेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ऐसा हार्श भी नहीं था जो कि मुझे इरिटेट करता। नेक्स्ट स्टेप है इनका ये मास्क। इस फेशियल में दो मास्क है, मैं दो मास्क नहीं अप्लाई करूंगा। एक है इनका गोल्ड मास्क, एक है मड मास्क। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा गोल्ड मास्क की तरफ ही रहेगी, मुझे सॉरी मड मास्क की तरफ रहेगी। आई लव मड मास्क जो होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। बट वट द ओके तो ये मास्क मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया। अब मैं इसको ये जब ड्राई होता है मुंह धो के आके इसके भी रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, लास्ट टाइम इन्होंने मुझे जो पार्सल भेजा था उसमें एक मास्क था, मैंने अप्लाई किया तो अप्लाई करने के साथ मुझे इन एरियाज पे और इन एरियाज पे काफी ज्यादा जलन हो रही थी, तो मुझे फौरन वो उतारना पड़ा। लेकिन ये लगाने के साथ मेरी स्किन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो काफी अभी तक खुश हूँ मैं। मड मास्क वैसे भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है अप्लाई करने में स्किन पे, तो मेरी स्किन पे कोई प्रोडक्ट जल्दी सूट नहीं करता, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा, ठीक है। इनका जो एप्रिकॉट स्क्रब है उसके अलावा बाकी सब कुछ स्टिल नाउ काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये जब ड्राई होता है तो मैं उतार के आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस से फेशियल मतलब मास्क को रिमूव कर लिया था। मास्क को रिमूव करके मेरे फेस पे कोई रेडनेस नहीं, कोई इचिंग नहीं, सब कुछ ऑल गुड था। रिकमेंडेड है मास्क। उसके बाद मैंने स्किन पॉलिश किया, ऑफ कैमरा किया था, काफी लंबी वीडियो हो जा रही थी इसलिए मैंने ऑफ कैमरा किया। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, उसकी जो स्किन पॉलिश है काफी अच्छी है, लेकिन उसमें भी ग्रैन्यूल्स थे जो सेंसिटिव स्किन वाले वो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी के जो स्टेप है हर स्किन वाला यूज कर सकते हैं, स्वाय ऑयल, स्वाय एक्ने स्किन वाले। बाकी ओवरऑल अच्छा फेशियल है कंसिडरिंग द प्राइस, फेशियल इज गुड, काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स है, काफी सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। मतलब कंसिडरिंग द प्राइस बहुत ही अमेजिंग है, मैं रिकमेंड करूंगा। अगर लेना चाहते हो, कोई अच्छा फेशियल ढूंढ रहे हो, यू गाइस कैन यूज दिस। गोल्डन पर्ल का जो फेशियल है उससे बेहतरी मुझे लगा है या उसके जैसा है, काफी अच्छे रिजल्ट्स है। गोल्डन पर्ल का भी फेशियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन दिस इज अमेजिंग। 300 ml प्रोडक्ट मिलता है एक जार में, अगर ये आपको 1200-1300 का मिल रहा है तो कोई महंगा नहीं। आप इंस्टाग्राम का इनका पेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मैसेज करके मेरा नाम लेके ऑर्डर कर सकते हो, मे भी आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।